अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, मैं उम्मीद करना कि तुम सारे ठीक होवोगे। तो अगस्त का महीना चल रहा है, जिस तरह तुम सारे जानते हो। तो अगस्त के महीने के अंदर 14 अगस्त को साडा आज़ादी का दिन है, वो असं मनाने तो मनाना भी चाहिए, क्योंकि इस दिन जिहड़ा ना वो साडा मुल्क जिहड़ा आज़ाद होया। एक साडा मुल्क जिहड़ा ना एक इस्लामी रियासत पाकिस्तान दे नाम तो जिहड़ा ना वो एक वजूद के अंदर आया, तो इसनों मनाना भी चाहिए, खुशियां करनिया चाहीदियां ने। तो खुशियां क्यों नहीं करनी चाहीदियां, क्योंकि उन्होंने पूछो साडे जिहड़े कश्मीरी भाई ने अपना वो किस तरह जिहड़ा ना वो जिंदगी गुजारते पे ने, ते यां जिहड़े साडे परदेसी भाई जांदे ने अपने मुल्क नूं छड्ड के जिहड़ा ना दूसरे मुल्कां दे अंदर जिहड़ा ना अपना रोज़ी दे सिलसिले दे अंदर जांदे ने, उन्हां नूं पुछो कि अपने मुल्क दी जिहड़ी है ना वो किन्नी लज़त हुंदी है, ते किन्ना जिहड़ा ना एक मज़ा हुंदा अपने मुल्क दा, ते किस तरह तरसदे हुंदे ने कि किहड़ा दिन वो आए कि असीं अपने मुल्क दे अंदर जाइए, ते खुशहाली दे नाल जिहड़ा ना अपने मुल्क दे मज़े लईए, ते खुशहाली दे नाल अपने मुल्क दे अंदर जिहड़ा ना वो रहिए। तो मेरा इस हवाले के नाल एक छोटा जिहा तुहानूं पैगाम है कि असी जिहड़ा ना वो खुशी तो करने आ यार, सानूं थोड़ा जिहा जिहड़ा ना ये भी देखना चाहिए, अपनी जिहड़ी तारीख है उसनूं दोहराना भी चाहिए, उसनूं स्टडी भी करना चाहिए कि किस तरह जिहड़े साडे बजुर्ग ने उन्होंने इस मुल्क नूं आज़ाद किया, कि साडे वास्ते एक आज़ाद रियासत बनाई, ता कि असी इस दे अंदर खुशी दे नाल रह सकीए, तो इस मुल्क दे अंदर ना ये मज़े लै सकीए, तो उसनूं देखना चाहिए। तो बल्कि साडे बजुर्ग दसदे हुंदे सन सानू कि उन्होंने सारे वाकया जिहड़े ने वो जदों साडा मुल्क पाकिस्तान आज़ाद होया वो सब कुछ देखिया सी, कि जनाब सैकड़ों नहीं हज़ारा नहीं लखां दी तादाद दे नाल साडे मुसलमान भाइयों ने जिहड़ा ना वो कुरबानियां दित्तियां, ते जिहदे करके अज असीं जिहड़ा ना एक आज़ाद रियासत दे अंदर एक आज़ाद मुल्क दे अंदर रह रहे हां, एक इस्लामी जमहूरी आ पाकिस्तान दे अंदर रह रहे हां। तो मेरा पैगाम है भाई यार, इस नूं जिहड़ा ना याद रखियो, ताकि वेखो साडे बजुर्गों ने कुरबानियां दित्तियां, ते ताकि आने वाली नस्लां जिहड़ियां असीं आ इस मुल्क दे अंदर आज़ादी दे नाल रह रहे हां, ठीक है। तो इस तरह ही जिहड़ा ना साडे भी हक है, साडे ते भी एक फर्ज़ है, साडे ते भी जिहड़ा ना एक लागू है कि सानू ये उन्होंने ये अमानत दित्ती, तो इस नूं जिहड़ा ना असीं अच्छे तरीके दे नाल अपने मुल्क नूं अगे लै के चलीए, ताकि जिहड़ियां साडियां आने वाली नस्लां ने वह भी खुशी दे नाल एक आज़ाद मुल्क दे अंदर रह सकन। तो साडे मुल्क दे अंदर जिहड़ा ना बहुत सारे आ मसलन कि कुछ सिस्टम दीआं कमियां ने, कुछ कह लो कि एक वह बहुत सारे कानून जिहड़े ने वह एक गरीब वास्ते जिहड़ा ना वह नहीं, तो अमीर वास्ते वो सब कुछ ही है, तो इस नूं जिहड़ा ना एक ठीक करना है। सानूं चाहिए कि जिहड़ा भी जो कर सकता है इस मुल्क वास्ते उसनूं अपना हक अपना किरदार जिहड़ा ना वो अदा करना चाहिए। ये नहीं असीं यही कहिंदे रहिंदे आ यार मसलन कि कल्ला बंदा की कर सकेगा, तो तुसीं सोचो कि जदों मुल्क पाकिस्तान वजूद के अंदर आया उदों की सी की सहूलतां सन, अज असीं एक मिंट के अंदर पूरे मुल्क दे जिहड़ा ना सानूं पता लग जांदा की हो रहा है, तो पूरे अपना दुनिया के अंदर जिहड़ा ना एक राबते हो जाते हैं। तो उस वक्त उन्होंने कि जदों सिर्फ एक वाहद रेडियो वो भी चंद कह लो कि कई पिंडियां जिहड़ा ना वो हुंदा सी या कई इलाकियां च हुंदा सी, उस वक्त भी जिद्दोजहद की उन्होंने साडे बजुर्गों ने, तो सानू अज आज़ाद मुल्क मिलिया, तो अज साडे कोल हर सहूलत मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है, तो फिर भी असीं आने यार असीं कल्लियां की कर सकने आ। बाकी जो एक तुसी कर सकते हो वो तुसी अपना अदा करो, तो एक मुल्क इस मुल्क वास्ते कुछ करो। ये नहीं कि मसलन कि 14 अगस्त आई जनाब असां वाजे ले ते मोटरसाइकलों दियाँ वो बैटरियां कढ़िया, तो गां करदे कदी आऊं जा रहे हैं, कदी आऊं जा रहे हैं, कदी पां पां आऊं कीता, कदी आऊं कीता, तो वो वन वेलिंग की वो जनाब उल्टा अपना नुकसान करके तो असं घर जा रहे हैं। ज्यादा इस अच्छे तरीके दे नाल मनाओ, तो इस जिहड़ा ना याद करो कि साडे बजुर्गों ने किनिया जिहड़ियां ना वो इस मुल्क वास्ते अपना कुरबानियां दित्तियां, तो अज असी जिहड़ा ना एक आज़ाद रियासत अंदर रह रहे हैं, ताकि असी भी अपना जिहड़ा ना जिन्ना हो सकता अपना हिस्सा जिहड़ा ना इस मुल्क नूं इस मुल्क की बेहतरी वास्ते जिहड़ा ना वो डालीए। तो ये पैगाम है, तो इस पैगाम नूं मैं तुहानूं यही चाहना वा तुहाडे कोलों कि इस नूं अगे शेयर करो, ताकि जिन्हें दोस्तों तक जाएगा, ताकि कोई ना कोई जिहड़ा ना इस मुल्क वास्ते सोचे, तो खास करके मेरे जिहड़े परदेसी भाई ने असी उम्मीद करने हैं कि वह भी परदेस के अंदर अच्छे तरीके दे नाल खुश ते अपना वो रहन, ते खुशहाली दे नाल जिंदगी बसर करन, ताकि वो बड़े जिहड़ा ना अपने बहन भाइयों कोलों अपने मुल्क कोलों अपना एक वो जाके ते ता अपने वो पिछलियां वास्ते ताकि खुशहाली दी जिंदगी गुजारन, ते उत्थे मजदूरियां करदे ने, ते किन्नियां मुश्किलां सहंदे ने, उन्हां को पुछो कि अपने मुल्क दी जिहड़ी ना वो की कदर है। तो लिहाजा सानूं दिओ इजाज़त,
ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੋਸੇ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਮਿਲਨੇ ਆ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।